हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आगे टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं ट्रांजेक्शन इफेक्ट प्लस स्लो मोशन वीडियो जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चलता रहता है। यदि आप भी इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। इस वीडियो को लड़की दीवाने लगे इस साउंड पे अपलोड किया गया है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर और वहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस तरह के वीडियो आप किस प्रकार एडिट कर सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। इस बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे, 10 से 15 सेकेंड तक कर देना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, मैंने ग्रीन स्क्रीन वीडियो का लिंक दे चुका हूँ, सिंपल सेलेक्ट करना है। स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन में कर देना है। ग्रीन स्क्रीन वीडियो के लेयर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा ग्रीन स्क्रीन है। वीडियो के लेयर पर क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रोमा की का, सिंपल आपको इसे इनेबल कर देना है। कलर क्यूक पे आना है और यहाँ पर आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना है, इसे आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर जो दिख रहा है तो आपको गायब हो चुका है। इसके बाद इस पोजीशन में आना है जहाँ से आपको ब्लैक कलर अब स्टार्ट हो चुका है, 6.9 के आसपास आना है। लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है और आपने जो वीडियो शूट कर रखे उस वीडियो को अगेन सेलेक्ट करना है। ऑलरेडी मैंने वीडियो शूट करके रख चुका हूँ तो उसी वीडियो को मैं एडिट करके दिखा रहा हूँ। इस वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव करना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा, उसे हम ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर हमें 6.9 के आसपास लेकर आ जाना है। इसके बाद वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, इसे फुल स्क्रीन में कर देना है। वीडियो को अगेन प्रेस करेंगे और लास्ट पोजीशन में आना है और एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। इसके बाद फिर से वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, सेंड टू बैक कर देना है। अब हम जब वीडियो प्ले करेंगे तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद सेटिंग पे क्लिक करना है, ऑडियो फेड आउट ऑफ कर देना है। शेयर पे क्लिक करना है, HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर वीडियो को अपलोड कर देना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सलन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यदि आप लोगों को किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।